यस, ये देखिए ध्यान से। मान लीजिए सबसे पहले हमारे पास है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के नीचे कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे कौन काम कर रहा है? जनरल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर के अंडर में क्या है? चार डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सोनल डिपार्टमेंट। और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी क्या है? सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये वाला स्ट्रक्चर हमने क्यों रेडी किया? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, हम एक ही प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। जब हम एक ही प्रोडक्ट में या एक ही लाइन में काम कर रहे हैं, हमारे पास टेंशन लेने का ज़्यादा टाइम नहीं है। सिंपल से तरीके से काम करना चाहते हैं तो हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। और हमारे पास ऊपर शेयर होल्डर है मान लो, फिर हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, और उसके अंदर सिंपल से डिपार्टमेंट बने हुए हैं और इस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारा काम चलता रहता है। ये तो होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे खास बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डिविजनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर देखो हमारे पास एक तो है मेटल के प्रोडक्ट और एक है प्लास्टिक के प्रोडक्ट। अब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, अब हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, मेटल वाला डिपार्टमेंट अलग बना दिया, प्लास्टिक वाला डिपार्टमेंट अलग बना दिया। अब मेटल वाले के अंदर भी देखो क्या है, मेटल वाले डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग भी है, फाइनेंस भी है, पर्सनल मैनेजमेंट भी है। इसी तरह से जैसे यहां पर चार डिपार्टमेंट है ना, हमको यहां पर प्लास्टिक वाले के अंडर में भी चार डिपार्टमेंट बनाने पड़ सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मेरा क्या है, जब डिविजनल स्ट्रक्चर हम रेडी करते हैं तो हम क्यों रेडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा होते हैं। तो जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो जो पहले वाला प्रोडक्ट है उसके अपने डिपार्टमेंट और जो दूसरे वाला प्रोडक्ट है उसके डिपार्टमेंट अपने, और मान लो कोई एक नया प्रोडक्ट और भी है तो उसके डिपार्टमेंट अपने। तो यह है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में कैसे देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे खास बात क्या है, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट है। इसी एक प्रोडक्ट के चक्कर के अंदर हमने मान लो चार या पांच डिपार्टमेंट बना रखे हैं, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑफिस। हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर, सिंपल वे के अंदर हम काम कर रहे हैं। आगे देखो ध्यान से, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे एडवांटेजेस क्या हैं? इसके अंदर सबसे पहली बात तो हमको स्पेशलाइजेशन का फायदा मिल जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन का काम करने वाला है, तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बार बार काम करेगा तो उसको विशिष्टीकरण के फायदे मिल जाते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है, इन सारे डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग भी होता है, ये सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए सेकेंड पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेशन का। थर्ड पॉइंट है हमारे पास मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या करती है, अपने काम पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाती है, जिसको जो काम बोला गया है वो काम बार बार करेगा, तो इससे मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से चलती है, क्योंकि उसको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। फिर इसी तरह से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मिनिमम डुप्लीकेशन, एक ही काम की दोबारा दोहराई नहीं होती, डुप्लीकेट काम नहीं होता, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में तो क्या था, डिविजनल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा है। अब जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा है तो हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वहां पे भी बनाना है और वहां पे भी बनाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वहां पे भी रहेगा और एक और भी बनाना पड़ेगा। पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया, हमने एक ही प्रोडक्ट रखा हुआ है, डिपार्टमेंट भी हमारे सिंगल सिंगल रहने वाले हैं, डिपार्टमेंट हमारे दोबारा दोबारा नहीं बनने वाले, मतलब प्रोडक्शन का काम एक ही बार होगा, दोबारा दोबारा नहीं होगा। तो यहां पर इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर हमारी मिनिमम डुप्लीकेशन रहती है। फिर पांचवी बात, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देना बहुत आसान होता है, ट्रेनिंग देना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा एक ही प्रोडक्ट है तो लोगों को हम ट्रेनिंग बहुत आसानी से दे सकते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद ही हम उनसे काम कराते हैं। आगे है इक्वल वेटेज, इक्वल वेटेज का मतलब है कि हमारे पास क्योंकि प्रोडक्ट एक ही है तो हम इसी के ऊपर ही इंपॉर्टेंस देते हैं, इसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और काम करना हमारा बहुत ईजी भी हो जाता है, तो इक्वल वेटेज ही हमारे को मिल जाती है। संदीप, जो सिलेबस में था वो ये भी है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, और जो मैं टॉपिक वो करा रहा हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो टॉपिक यही है, तो ये देख लेना आप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप जो कह रहे हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं समझता हूँ, वो टॉपिक आप स्टडी करोगे तो बहुत ईजी है,
बट सिलेबस के अंदर यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का टॉपिक ही मैं लेके चल रहा हूँ, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आप फिलहाल अभी यही स्टडी कर ले जो मैं अभी करा रहा हूँ, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है वो मेरी बुक में आप देख लीजिएगा, वो तो बहुत ईजी है स्टडी करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुपरविजन। अब क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट सिंगल सिंगल है तो इन सब के ऊपर सुपरविजन करना, इनके ऊपर निगरानी रखना बहुत आसान होता है। अगला पॉइंट है इफेक्टिव कंट्रोल। हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमको डबल डबल जगह पर निगरानी नहीं रखनी पड़ती। अब जब डबल डबल जगह पर निगरानी नहीं रखनी पड़ती तो डेफिनेटली हम एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा होने वाला है। फिर नौवीं बात, हम रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज को हम वेस्टेज ज़्यादा होती है, बट यहाँ पर क्या होने वाला है, रिसोर्सेज का हम प्रॉपर यूज करने वाले हैं। रिसोर्सेज बोले तो संसाधन हमारे बेकार नहीं होने वाले। आगे बात आती है कि इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे डिसएडवांटेजेस क्या है। कभी कभी ये क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कभी कभी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं हम उसको भी कहीं ना कहीं इग्नोर करते ही हैं। तो यहाँ पर भी हमको ये बात समझनी होगी। तो क्या होता है, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, अपना अपना काम करने में लगे रहते हैं, आपस में लड़ाई भी करते रहते हैं। वो कहता है कि मेरा काम इंपॉर्टेंट, दूसरा कहता है कि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके चक्कर के अंदर जो हमारे फर्म का जो मेन टारगेट है उसको वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन टारगेट है उसको हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बात, कभी कभी लोगों की ईगो बीच में आ जाती है, और कभी कभी जब विचार आपस में नहीं मिलते तो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी हमको फेस करनी पड़ती है क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है। अब अलग अलग मैनेजर है तो हर कोई अपने आप को घना शाना भी समझता है। अब कोई जब इंसान जब खुद को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझता है तो वहाँ पे क्या आती है, ईगो। अब जहाँ पे ईगो आएगी तो वहाँ विचार नहीं मिलेंगे, जहाँ विचार नहीं मिलेंगे तो वहाँ पर क्या पैदा होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा भी पैदा होता है। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मान लो परचेज डिपार्टमेंट ने कच्चा माल नहीं खरीदा, परचेज डिपार्टमेंट ने कच्चा माल ही नहीं खरीदा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब प्रोडक्शन ही नहीं हुई तो क्या सेल्स डिपार्टमेंट काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ चलती रहती हैं, तो ये सारे लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम क्लेम करने में लगे रहते हैं। अगली बात है कंप्लीट डेवलपमेंट। पूरी डेवलपमेंट होने में भी कहीं भी कभी नुकसान होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट हो ही नहीं पाती है। आगे है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वीक डिपार्टमेंट। अब मान लो ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, अब इस डिपार्टमेंट की वजह से बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर प्रभाव आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जैसे मान लो घर के अंदर कोई एक बीमार व्यक्ति होता है, उस बीमार व्यक्ति की वजह से बाकियों के ऊपर प्रभाव आता है, वैसे ही अगर एक डिपार्टमेंट वीक है, कमजोर है, तो दूसरों के ऊपर भी उसका नेगेटिव प्रभाव आता ही है। अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, ईगो कॉन्फ्लिक्ट बीच में आती रहती है। वो कहता है कि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि मेरा ज्यादा काम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये लोग आपस में कभी कभी सहयोग नहीं करते। जहां सहयोग नहीं है वहां पर काम अच्छे से नहीं होने वाला। अगला पॉइंट है कि ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या उपयुक्तता है, बोले तो ये कहाँ पे सूट करता है, कहाँ पर इसको बनाना अच्छा है। तो सबसे पहली बात है, बिजनेस का साइज अगर छोटा है, बिजनेस आपका अगर नॉर्मल तरीके से चल रहा है, आपके पास प्रोडक्ट एक ही है, तो वहां पर इस टाइप के फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाना बहुत ईजी है। जहां पर आप एक पार्टिकुलर एक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशल क्वालिटी लाना चाहते हो, स्पेशलाइजेशन का गुण प्राप्त करना चाहते हो, तो वहां पर ये वाला बना लो। तीसरी बात, जहां आप चाहते हो कि आप अपनी पावर्स को आगे तक डिवाइड कर दो, लोगों को अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंप दो, तो वहां पर भी ठीक रहेगा। चौथी बात, जहां आप एक ही प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हो, ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहां पे काम करता है, जब आपके पास प्रोडक्ट एक ही है। तो ये चार बातें मैंने आपको बताई, ये चार वो बातें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करो या डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग काम करो। ऑर्गेनाइजेशन जहां पर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, जितने प्रोडक्ट उसके अंडर में उतने ही टाइप के डिपार्टमेंट। अब मान लो हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक मेटल का और एक प्लास्टिक का। हम
मेटल और प्लास्टिक दोनों में काम कर रहे हैं। अब मेटल फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर आप साइकिल भी बना रहे हो और कार भी बना रहे हो, तो साइकिल के डिपार्टमेंट अलग रहेंगे, कार के डिपार्टमेंट अलग रहने वाले हैं। तो साइकिल और कार के डिपार्टमेंट क्योंकि आपको अलग अलग बनाने पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, मेटल के अंदर चार डिपार्टमेंट, 1, 2, 3, 4। इसी तरह प्लास्टिक के अंडर में भी चार डिपार्टमेंट, 1, 2, 3, 4। तो जब हम डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ऐसा समझ लो कि वो क्या हो गया, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखो पहला एडवांटेज, एडवांटेज के अंदर क्या है, जब आपने डिपार्टमेंट दोनों के अलग अलग बनाई दिए, पहला प्रोडक्ट दूसरा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट वन के अंदर डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्ट टू के डिपार्टमेंट अलग। तो अब आप सोचकर देखिए, ये पहला प्रोडक्ट ये दूसरा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप आसानी से ले लोगे, उनसे पूछने की जरूरत है नहीं है, तो इसलिए डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। दूसरी बात, इजी एक्सपेंशन, अगर आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है, मान लो आप एक तीसरा प्रोडक्ट और लेकर आ जाओ, तो आप प्रोडक्ट लेकर आओ उसके नीचे डिपार्टमेंट और बना दो, तो बिजनेस को एक्सपेंड करना, उसकी ग्रोथ करना बहुत आसान है। तीसरी बात, रिजल्ट एक्सेस, आपको बहुत आसानी से पता लग जाता है यहाँ वाले प्रोडक्ट से रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, यहाँ वाले प्रोडक्ट्स के आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या यहाँ वाले प्रोडक्ट के रिजल्ट, मतलब अगर आपको परिणामों के बारे में पता चलाना है, रिजल्ट के बारे में पता करना है, तो रिजल्ट्स को एक्सेस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। चौथी बात, कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन आपस में बना के रखते हैं, काम एक दूसरे से पूछ के करते रहते हैं, कभी कभी किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं। अगली बात है बेनिफिट्स ऑफ डिविजनल कॉम्पिटिशन, इन दोनों डिपार्टमेंट का आपस में कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, भाई इनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं, कौन काम ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो कंपटीशन पैदा करना है तो इनके कामों की चेकिंग करते रहो, भाई तुमने अकाउंट टाइम पर मेंटेन किए क्या, मैंने तो अकाउंट टाइम पे मेंटेन कर दिए, तुमने जितनी भी सेल की उसको टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया क्या, वो कहेगा भी मैंने तो कर लिया, तो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ये स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कॉम्पिटिशन भी हो जाता है, उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। फिर छठी बात, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच प्रोडक्ट, हम दोनों प्रोडक्ट को बराबर की क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस जितना महत्व हम इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं उतना ही महत्व हम इस प्रोडक्ट को भी दे रहे हैं। तो ये है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का हमारा एडवांटेजेस। अब बात आती है कि लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन के अंदर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डुप्लीकेसी, यहां पर काम बार बार हो रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहां पे भी है यहां पे भी है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट यहां पे भी है यहां पे भी है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट यहां पे भी है यहां पे भी है, हमको फाइनेंस का काम दो दो बार करना पड़ रहा है, मार्केटिंग का काम भी दो बार, प्रोडक्शन का काम भी दो बार, तो यहां पर यही बात आ रहा है कि फंक्शन हमें डुप्लीकेट करने पड़ते हैं, दोबारा दोबारा करने पड़ते हैं, काम दोबारा दोबारा होते रहते हैं। आगे है सेल्फिश एटीट्यूड, कभी कभी ये लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं, वो कहता है कि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फिश भी हो जाते हैं, और कभी कभी कंट्रोल करना बहुत टेढ़ा काम होता है, और कभी कभी हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टाफ चाहिए वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। फिर अगली बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ये बात मैंने आपको अभी भी बताई थी कि जब कुछ लोगों के या दो लोगों के विचार आपस में नहीं मिलते तो वहां पर क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते हैं। आगे बात आती है कि ये जो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है इसको हम अप्लाई कहां पे कर सकते हैं, पहली बात जब हमारे पास प्रोडक्ट एक से ज्यादा हैं, जब हमारे पास काफी सारी काम करने की मेथड्स हैं टेक्निक्स हैं, तीसरी बात जहां पर फर्म का साइज बहुत बड़ा है तो वहां पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन आप अप्लाई कर दो, पहली बात प्रोडक्ट हमारे पास एक से ज्यादा है, दूसरी बात हमारे पास काम को करने की काफी सारी टेक्निक्स और मेथड्स हैं, तीसरी बात फर्म आपकी बड़ी है तो वहां पर आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करना बहुत ईजी है, कर ही दो।